मुखिया जी, सत्या की हरकतें बढ़ती ही जा रही है। एक दिन मेरे को कुर्सी से चिपका दिया था। बच्चों को जादू दिखा दिखा कर उनको भ्रमित कर रहा है। अरे मुझे तो लगता है उसमें किसी आत्मा का वास है। आज इसे पूरे गांव के सामने साबित करना होगा कि सचमुच ईश्वर का अवतार है। रामकृष्ण ने भी इंसान के रूप में अवतार लिया था, सत्य भी हो सकता है। इसके अंदर किसी शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस ने अधिकार जमा लिया है। इसको नरसिंह मंदिर ले चलो। नहीं नरसिंह, तू सबको बोलता मैं भगवान, आज मैं तेरे सर से भगवान का भूत उतारता अभी। आयो सत्या सचमुच साईं का अवतार है। बोलो सत्साई बाबा की। साई साई बोल, सत्य साई बोल, साई साई बोल। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नागरेड्डी पकड़ा गया, सत्य प्रकाश की टीम ने पकड़ा उसको। इसका मतलब पुट्टपर्ति में एक और सत्य। ओम साई राम। सत्य प्रकाश, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। ये भगवान मैं शैतान। सत्य की ज्योत जगाने बाबा मानव रूप में आए, कितनों की तकदीर बनाई सोए भाग जगाए। घड़ी? कौन सी घड़ी? वही जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें आश्रम में दी थी। वो घड़ी मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो घड़ी भगवान का प्रसाद है। इसका मतलब बाबा ईश्वर नहीं, जादूगर है, मैजिशियन। ये आपकी सोच हो सकती है। तुम्हारे हिसाब से तो मैं एक जादूगर हूँ। ऐसा लोग कहते हैं बाबा। सोचो जरा। सोचने का क्या है, उड़ा दो। अति मन भावन आंगन आंगन ज्योति पुंज बाबा। बाबा बोले तो भगवान से। मैं आपके बाबा के खिलाफ हूँ। आपका उसमें गलत इस्तेमाल करने लगे। जिस पेड़ में फल होता है लोग उसी पे पत्थर मारते। जग से बेगाना हूँ मैं, साईं का दीवाना हूँ मैं। जग से बेगाना हूँ मैं, साईं का दीवाना हूँ मैं। लागी रे लगन मोह साईं की। मेरे ही दो रूप हैं, लेकिन मुझ पर श्रद्धा है, विश्वास है। फिर आप ये चमत्कार क्यों दिखाते हैं? चमत्कार ही मेरा बिजली कार्य। साईं बाबा।